व्हाट्सएप पे आप ब्लॉक्ड कॉन्टेक्ट्स को कैसे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी व्हाट्सएप के जो है ब्लॉक्ड कॉन्टेक्ट्स हैं, जो मैंने कुछ यहाँ पे नौ नंबर हैं जो मैंने इन्हें ब्लॉक करके रखा है। अगर आप चाहते हैं कि इनमें से ये जो ब्लॉक्ड कॉन्टेक्ट्स हैं आपके ब्लॉक लिस्ट में ना दिखाई दें, मतलब डिलीट हो जाए और नंबर भी ब्लॉक ही रहें, तो आप किस तरीके से नंबर को ब्लॉक्ड कॉन्टेक्ट से डिलीट कर सकते हैं। नंबर ब्लॉक रहेंगे बट ये जो है आपके नंबर ब्लॉक्ड कॉन्टेक्ट लिस्ट में नहीं दिखेंगे, अगर आप ये सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो चलिए बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। आपको व्हाट्सएप पे आना है, उसके बाद आपको क्या करना है, जिस नंबर को आपने ब्लॉक कर दिया है या आप पहले से ही मतलब जो है उस नंबर को ब्लॉक करके रखे हैं, तो आपको थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आना है और सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक प्राइवेसी का ऑप्शन दिखता है, सेकेंड ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। तो आपको जो है यहीं पे एक ऑप्शन दिखता है ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरे नौ नंबर ब्लॉक्ड हैं, ठीक है, इन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं किसी पार्टिकुलर नंबर के बारे में आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये नीचे दो नंबर हैं जिन पे नाम भी डला हुआ है, ठीक है, आप इस चीज को यहाँ पे ध्यान से समझना। तो ये देखिए जो पहला नंबर है इस पे मैं दबा के रखता हूँ ऐसे होल्ड करके, तो यहाँ पे अनब्लॉक करने का ऑप्शन मुझे मिल रहा है, बट यहाँ पे कोई डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आप डिलीट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ऑफिशियली व्हाट्सएप की तरफ से ऐसा कोई फीचर नहीं है जिसमें आप ब्लॉक्ड लिस्ट के नंबर्स को डिलीट कर सकें। यहाँ पे अनब्लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आप इसे अनब्लॉक कर देते हैं तो ये अनब्लॉक हो जाएगा और आपकी प्राइवेसी को खतरा हो जाएगा, वो बंदा आपको फिर से जो है यहाँ पे मैसेज वगैरह कर सकता है। बट देखिए, आप व्हाट्सएप के अंदर डिलीट करने का ऑप्शन क्यों नहीं है, मतलब ब्लॉक लिस्ट क्लियर करने का, अगर यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन इन्होंने दे दिया तो ये जो नंबर है आपके लिए फिर से न्यू नंबर बन जाएगा और वो आपको फिर से मैसेज कर पाएगा। इसलिए ब्लॉक नंबर तभी काम करते हैं, ब्लॉक्ड सेटिंग, तब तक वो ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। आप समझ रहे होंगे ये ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन है, जो नंबर इसके अंदर ऐड होंगे वो ही नंबर सिर्फ ब्लॉक होंगे, जो नंबर यहाँ से आप डिलीट कर दोगे वो नंबर ब्लॉक्ड नंबर की कैटेगरी में नहीं रहेगा और वो आपको फिर से मैसेज कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे जो है कोई भी ऐसी सेटिंग्स नहीं दी गई है जिससे कि आप ब्लॉक लिस्ट के नंबर को यहाँ से डिलीट कर सके। तो ये वाला जो एल्गोरिदम है, ये तो आप पूरा फंडा समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब है, क्यों नहीं होता, आप यहाँ से सिर्फ अनब्लॉक कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर सकते हैं, जैसे ये नीचे वाला नंबर आप देख लीजिए, सेम नंबर है और मैं आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी दिखाता हूँ। ऐसा होता है कई बार, ऐसा होता है कि जो नंबर हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है उसको भी हम ब्लॉक करते हैं, तो आपको सर्च करके दिखाता हूँ। ये देखिए, हाँ, ये जो मैं नंबर आपको दिखा रहा था ये वो ही सेम नंबर है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इसे डिलीट कर दूंगा, देखिए अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से भी डिलीट कर दूंगा, तो भी वहां से डिलीट नहीं होगा, वहां पे सिर्फ नाम हटेगा, बाकी नंबर एज इट इज ऐड रहेगा। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखिए जो यहाँ पे जो नंबर था उसका नाम हट चुका है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो और नंबर एज इट इज यहाँ पे बना हुआ है। आपको मैं दिखाता हूँ एक बार बैक करके, देखिए नौ नंबर थे, एज इट इज नौ नंबर यहाँ पे हैं, ठीक है, तो उस नंबर का यहाँ से सिर्फ नाम डिलीट हुआ है। अगर यहाँ से नंबर भी डिलीट हो जाता ना तो ये नंबर ब्लॉक ना रहता। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं यहाँ पे आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ब्लॉक्ड कॉन्टेक्ट की लिस्ट में नंबर रहता है वो ही ब्लॉक रहता है, अगर यहाँ पे कोई डिलीट का ऑप्शन व्हाट्सअप दे देता तो यहाँ पे आपका वो नंबर ब्लॉक ना रहता, वो अनब्लॉक हो जाता ऑटोमेटिकली और आपको फिर से मैसेज कर पाता। इसलिए यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन नहीं दिया गया है, अनब्लॉक का ऑप्शन दिया गया है, इसलिए यहाँ पे आपकी जो ब्लॉक्ड लिस्ट के नंबर्स हैं वो डिलीट नहीं होंगे। तो आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारी सी कमेंट जरूर कर देना, जिससे कि लोगों को पता चल सके वीडियो काफी नॉलेजेबल है।